कोरोना के चलते अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा है तो वो है शिक्षा। चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं, हर तरफ कोरोना का असर देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी करते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। स्कूल खोलने को लेकर अब शिक्षा विभाग विचार कर रहा है और इसे लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में वार्ता की जाएगी और साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 31 अक्टूबर तक राजस्थान में स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। 31 अक्टूबर तक कोरोना के क्या हालात होंगे, इसके बाद ही कोई भी फैसला लिया जाएगा। और साथ ही कोरोना के चलते इस साल करीब 4 महीनों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से सिलेबस को कम करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सिलेबस को 30 से 40% तक कम करने के 2 तरीकों पर मंथन फिलहाल किया जा रहा है। फिलहाल स्कूल खुलते हुए नजर नहीं आ रहे और ऐसे में जब भी स्कूल खुलेंगे तब विभाग द्वारा सिलेबस कितना कम हो सकता है, इस पर फैसला लिया जाएगा। गाइडलाइन तैयार करें, कब हम विद्यालय खोलें, किस स्तर की विद्यालयों को खोलें, पूरे खोलें या अपर क्लासेज के खोलें, बोले तो उनकी फीस का, पाठ्यक्रम का क्या होगा, ये सारी चीजें कवायद करने के लिए कह दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम एक गाइडलाइन तैयार करेंगे जिसमें पाठ्यक्रम की बात भी तय होगी, फीस की बात भी तय होगी, कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए सैनिटाइजर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उन सारी चीजों को भी हम देखेंगे और देखने के बाद में इसमें एक रोडमैप के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण में कहीं हमसे किसी तरह की कोई चूक नहीं हो जाए। आप लोगों का भी क्या व्यू होगा वो भी लेंगे, अभिभावक क्या चाहते हैं वो भी लेंगे। इन सब चीजों को समाहित करते हुए विद्यालय खोलने का जब निर्णय करेंगे तो पूरी तरीके से हर चीज की गाइडलाइन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सिलेबस को 30 से 40% तक कम करने के 2 तरीकों पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल स्कूल खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे और ऐसे में जब भी स्कूल खुलेंगे तब विभाग द्वारा सिलेबस कितना कम हो सकता है, इस पर फैसला लिया जाएगा। दो तरह के सिलेबस हमने तैयार करवाए थे, 40% सीबीएसई का तो अभी तक 30% का ही है। हमने 2 तरीके के तैयार कराए कि 40% करना हो तो फिर कौन कौन सा होगा, 30% करना हो तो कैसा होगा। अब हम कब से खुलेगी तो वर्किंग डेज हमें कितने मिलेंगे उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सिलेबस को और बाकी सब चीजों की गाइडलाइन को जाएंगे।